कोरोना संकट फिर बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ सरकार ने टेस्टिंग अभियान के प्रति उदासीनता दिखाते हुए इसे कम कर दिया है। यह सरकार की लापरवाही है जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार ने कभी भी गंभीरता का परिचय नहीं दिया, जनता को अपने हाल पर छोड़ रखा है, जिसके चलते फिर से कोरोना संकट बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पहले ही प्रदेश में जनता भाजपा सरकार की लापरवाहियों की भारी कीमत चुका चुकी है। 1000 लोगों के मरने पर भी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। कोरोना टेस्टिंग कम करना सरकार की लापरवाही है। सरकार ने माना है, केंद्र सरकार के पास भी, कि हमने टेस्टिंग कम कर दी है। हमें ये समझ नहीं आता है कि एक वर्ष से ऊपर कोरोना संकट काल को चले हो गया, लेकिन अभी तक भी सरकार जो है इस बारे में किसी तरह की कोई भी फुल प्रूफ काम करने की योजना नहीं बना पाई है और ना ही इस संकट से अनुभव प्राप्त कर पाई है। टेस्टिंग हमेशा जारी रहनी चाहिए थी, और जबकि ये तो युद्ध स्तर के ऊपर इसको निरंतर बढ़ाए रखना चाहिए था। ये सरकार की एक बार फिर से लापरवाही नज़र आ रही है। जिस तरह से कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उसमें जिस तरह पहले भी सरकार की भूमिका जो है कोरोना को बढ़ाने में रही, अभी फिर उसको बढ़ाने में सरकार की भूमिका नज़र आ रही है। जिस तरह मुख्यमंत्री महोदया ने होली के उत्सव के समय में पूरे प्रदेश में तो ये आह्वान किया कि कोई भी आदमी जो है वो सार्वजनिक रूप से होली ना मनाए, लेकिन अपने आप जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री आवास में होली खेली, और वो भी लापरवाही पूर्वक बिना कोई एहतियात बरते वहाँ पे, वो ये दर्शाता है कि कितनी गंभीर ये सरकार जो है इस संकट के बारे में है। निसंदेह हम जनता से कहना चाहेंगे, सरकार लापरवाह है। सरकार ने हमेशा से, शुरू से ही जो कोरोना संकट काल है उसमें जनता को अपने हाल पर छोड़ रखा है। इसलिए आप एहतियात बरतें, और जो भी इसके लिए सावधानियां हैं उनका पूरा उपयोग जो है वो हम करें। ये सरकार कहीं से भी संवेदनशील नज़र नहीं आ रही है, और सरकार से हम फिर कहेंगे कि आप कोरोना टेस्टिंग को भी युद्ध स्तर पर बढ़ाकर रखिए, और साथ ही जो वैक्सीन का कार्यक्रम है उसको भी निरंतर जारी रखिए, ताकि इसके कोरोना बढ़ने के संकट को रोका जा सके। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।